Hello and welcome to all. I'm Prashant, and today we are going to discuss the 16th September 2023 news. ओके, आज पे हिंदू का एनालिसिस हमें करना है, द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज का. तो आज सितेंद्र सर क्लास नहीं लेंगे. आपके सितेंद्र सर विल बी टेकिंग क्लास आफ्टर मंडे. मंडे से उनका क्लास कंटिन्यू होगा. आई विल बी टेकिंग क्लास टूडे. और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि कल भी आपका क्लास होगा एक्चुअली करंट अफेयर्स का. जो संडे अगर पहले मिस हो रहा था करंट अफेयर्स का क्लास, सो आई विल बी टेकिंग दैट क्लास ऑन संडे ऑल्सो. ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे. चलिएगा, सो लेट स्टार्ट विद दी टूडेज करंट अफेयर्स. तो एज सच अगर कौन सी आज इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्रिकेट फैंस के लिए है, लेकिन यूपीएससी के लिए नहीं है. दैट इज कि कल जो एशिया कप में बांग्लादेश हैड डिफिटेड इंडिया. ओके, तो ये 2012 के बाद एशिया कप में इंडिया की फर्स्ट टाइम ऐसी हार थी, लेकिन वो हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दोज हु लाइक क्रिकेट, ऑफकोर्स फॉर देम इट्स इंपॉर्टेंट. सेकंड, यूपीएससी के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो फ्रंट पेज के हिंदू के है, दैट इज निपा वायरस. लेकिन निपा वायरस की जो न्यूज है ना, ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि आपके क्लास में डिस्कस हो चुकी होगी, या अगर डिस्कस नहीं भी हुआ तो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग न्यूज. ओके, सो केरला में जो निपा वायरस के इश्यूज है वो हम डेवलपिंग न्यूज है, तो शायद हम आगे और उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैवंट इंक्लूडेड दैट इन टुडेस क्लास. अब आज देखते हैं आज हमें कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करनी है. वेरी शॉर्ट वन, दैट इज गुड्स ट्रेड डिफिसिट. तो इंडिया के गुड्स ट्रेड डिफिसिट के रिगार्डिंग एक अपडेट है, वो हमें आज डिस्कस करना है. काफी शॉर्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे. सेकंड, हमें डिस्कस करना है अबाउट जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड कि इट इज गोइंग टू एस्टाब्लिश दी 31 बेंचेस ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो व्हाट इज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ओके, उसके रिगार्डिंग व्हाट इज जीएसटी काउंसिल, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. पावर्स क्या होती है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, ये हमें डिस्कस करना है. ओके, अब रिसेंटली जो जीडीपी डेटा आया और उसके रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सी चल रही कि वेदर दैट जीडीपी डेटा इज राइट और रॉन्ग, उसके रिस्पेक्ट में हमें दो इंडाइसेस स्टडी करने हैं. एक है पीएमआई और दूसरा है आईआईपी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, इसी के साथ साथ एक जल जीवन मिशन, इसका स्पेशली रूरल कंपोनेंट. जल जीवन मिशन के वैसे अर्बन और रूरल दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन की जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इसका रूरल कंपोनेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं. उसकी प्रोविजंस खास करके आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर. ओके, इसके अलावा पीएम केयर्स फंड के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिसेंटली डायरेक्शन दिए थे. ओके, डायरेक्शन नहीं है एज सच, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से एक सवाल पूछा था पीएम केयर्स के फंड के रिगार्डिंग. तो दैट्स व्हाई पीएम केयर्स फंड क्या है और उसके अंडर स्पेशली जो स्कीम है जिसके रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वॉज देयर, वो हमें यहाँ डिस्कस करना है. ओके, और लास्ट में एडिटोरियल सेक्शन से एक आर्टिकल है, दैट इज रिगार्डिंग रीनेमिंग द इंडिया. ओके, कि क्या इंडिया का नाम भारत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी तो अब काफी दिन से चल रही है और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा आई एम श्योर. ओके, इस पर्टिकुलर क्लास में हम बस ये आर्टिकल के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने वाले. ओके, आर्टिकल के बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, बिकॉज आर्टिकल में एक्चुअली राइटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है. ओके, और इंडिया का नाम भारत चेंज करने की लीगैलिटी के रिगार्डिंग उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमें डिस्कस करना है, ताकि ये आपको अलग पर्सपेक्टिव मिले. ओके, तो राइटर शायद यहाँ गलत हो सकते हैं. ओके, लेकिन व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपको मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज पता होने चाहिए. ओके, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. नाउ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ जो है स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन. ओके, तो देखिएगा अब न्यूज क्या है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किए हैं 31 बेंचेस ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल. इन शॉर्ट व्हाट, कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गवर्नमेंट 31 बेंचेस एस्टैब्लिश करने वाला है. ओके, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या है, वॉट एवर जीएसटी रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स आर देयर और उसके जो भी अपील्स होते हैं डिस्प्यूट्स के, इसको रिजोल्व करना ऑफकोर्स किसका काम है, ये है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, रिजोल्यूशन ऑफ दिस अपील्स. ओके, तो वो हम आगे देखेंगे. अभी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन क्या हो सकता है, उसकी पावर क्या, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. ओके, और इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के 31 बेंचेस विल बी एस्टैब्लिश्ड. ओके, तो ये इश्यू ये है कि अराउंड 14,000, कितने 14,000 अपील्स जो है ये पेंडिंग है जीएसटी के रिगार्डिंग, एंड दैट्स व्हाई स्टेट्स हैड डिमांडेड कि ऐसे 50 ट्राइब्यूनल्स के बेंचेस जो है ये एस्टैब्लिश किए जाए. लेकिन अभी परमिशन जो मिली है 31 ट्राइब्यूनल बेंचेस को, और उसमें से यूपी में सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश हो गए,
अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन अराउंड 3 ट्राइब्यूनल्स बेंचेस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन यूपी। कुछ स्टेट्स है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न के 7 स्टेट्स को मिला के शायद एक ही ट्राइब्यूनल इसमें होगा, ओके ट्राइब्यूनल बेंच इसमें होगा सॉरी, ये यहाँ हो सकता है। तो अब देखते हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है क्या। तो अफकोर्स जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ये याद रखना है कि इस ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश करने का मैंडेट जो है ये गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 ही देता है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जो है ये कहता है कि ऐसे जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा कि देर विल बी अ ट्राइब्यूनल, इसका काम क्या है कि जो भी डिस्प्यूट्स हो गए और उसके रिगार्डिंग जो अपील होते हैं, सी ये फर्स्ट टाइम केस को हेयर नहीं करेगा, जो भी केस होगी जीएसटी के रिगार्डिंग इसका डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद जो अपील होता है ये अपील जो है ये ट्राइब्यूनल देखेगा। तो ये एक सेंट्रल ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश होगा और उसके मल्टीपल बेंचेस जो है अलग अलग जगह पे एस्टैब्लिश हो सकते हैं। ओके तो ट्राइब्यूनल एक जगह पे है, जो रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से ट्राइब्यूनल जो होगा दैट विल बी इन दिल्ली, न्यू दिल्ली वो कहा एस्टैब्लिश होगा, न्यू दिल्ली में, और उसके बेंचेज जो है मल्टीपल स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में एस्टैब्लिश हो गए, सो दैट पीपल कैन फाइल देयर केसेस ओवर देयर, अपील ओवर देयर। ओके तो ये स्ट्रक्चर सबसे पहले याद रखना कि ट्राइब्यूनल और बेंच मतलब क्या है, कि ट्राइब्यूनल या दिल्ली में एस्टैब्लिश होगा और बेंच जो है दिस विल बी एस्टैब्लिश 31 बेंचेस इन डिफरेंट स्टेट्स एक्चुअली। ठीक है तो अब यहां देखिएगा रिसेंट मतलब मैकेनिज्म क्या है, ये भी थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन बेटर वे कि यहाँ एक्चुअली मैकेनिज्म किस तरीके से होता है जीएसटी के कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। ओके तो अगर आपको कोई जीएसटी टैक्स पे करे कोई और उसको कोई भी इशू है, देर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग जीएसटी कि मे बी सम फाइन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन हिम, लेट्स से 10 लाख फाइन है, उसको लगता है कि नहीं ये गलत हो चुका है एक्चुअली, मैंने जीएसटी जो फाइल किया है और जो भी रिटर्न दिया है वो सही एक्चुअली जो भी फाइल किया है, कुछ भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो सबसे पहले ये डिस्प्यूट जाता है एक अथॉरिटी के पास। ओके और ये अथॉरिटी अपना डिसीजन देती है, लेट्स से आफ्टर दिस अथॉरिटी हैज गिवन डिसीजन, ओके तो टैक्स पेयर सेटिस्फाइड नहीं है डिसीजन से, उसके शायद खिलाफ डिसीजन दिया गया है। ओके तो फिर ये डिसीजन आगे जाता है अपीलेट अथॉरिटी को, अब यहां अपील करने के बाद भी डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वहां से ये डिसीजन जाता है अपीलेट ट्राइब्यूनल को, और ये अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है अब एस्टैब्लिश किया जाएगा, और अपीलेट ट्राइब्यूनल से आगे अपील होगा हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ओके तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल अब न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश होगा और उसके बेंचेस जो है 31 बेंचेस का भी नोटिफिकेशन है। ओके तो क्या फायदा होगा इस अपीलेट ट्राइब्यूनल का, सबसे पहले तो देखो ये ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं, अब इसका कॉम्पोजिशन कैसा है ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू द न्यूज जो भी बेंच होगा एक अपीलेट ट्राइब्यूनल का, वट एवर बेंच विल बी देयर, इस बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 2 टेक्निकल मेंबर्स होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियरी के 2 मेंबर्स विल बी देयर एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स। टेक्निकल मेंबर्स मींस दोस पीपल हु आर स्पेसिफिकली एक्सपर्ट इन द जीएसटी लॉज एंड जीएसटी डिस्प्यूट। ओके तो जनरली हर बेंच में ऐसे 4 मेंबर्स हो सकते हैं और इनका जो सिलेक्शन होगा ये सिलेक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जो जजेस है दे विल डू, इनका सिलेक्शन जो करना है उस पर्टिकुलर स्टेट के जो हाई कोर्ट जजेस है दे विल डू। ओके तो ये जनरली ऐसा कॉम्पोजिशन हो सकता है, तो आपको इसमें कुछ टेक्निकल मेंबर्स है तो इससे क्या होती है एक्सपर्टीज होती है और एक्सपर्टीज से वो जो डिस्प्यूट है वो अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड इससे क्या होगा फास्ट रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट होगा बिकॉज रीजनल आपके बेंचेस है यहाँ पे। ओके तो और इसी के साथ साथ जो कोर्ट का बर्डन है केसेस का ये बर्डन इससे कम हो सकता है। ओके एंड दैट्स व्हाई दिस जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है ये अब एस्टैब्लिश किया जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है तो ये नोट्स में मैंने आपको दे रखा है ये सारा, 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 2 टेक्निकल मेंबर्स विल बी देयर एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके अब क्या पावर्स है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन हो सकता है। ओके तो फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 ये जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है ना इसको सिविल कोर्ट माना जाए। तो इनफैक्ट जो सिविल कोर्ट की जो पावर है, क्रिमिनल कोर्ट होते हैं दूसरे सिविल कोर्ट होते हैं, तो सिविल कोर्ट की जो पावर है ना ये सारी पावर ही जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास होगी। कौन सी पावर्स, फॉर एग्जांपल इट विल हैव पावर टू हियर अपील्स, ऑफ कोर्स जो तो इसका बेसिक फंक्शन है, इट कैन पास ऑर्डर्स, इट कैन गिव डायरेक्शन टू द जीएसटी के रिगार्डिंग जो अथॉरिटीज है उसको भी डायरेक्शन दे सकता है, वह ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे सकता है। ओके
इट कैन इम्पोज फाइन्स ऑल्सो, फाइन्स एंड पेनल्टीज जो है इम्पोज कर सकते हैं, जीएसटी रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है उसको ये कैंसिल कर सकता है। ओके, अगर कोई जीएसटी किसी टैक्स पेयर के पास पेंडिंग है तो उसको रिकवरी के रिगार्डिंग ये आदेश दे सकता है। ओके, तो एज सच जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास इस तरीके से मल्टीपल जो है पावर से लाइक सिविल कोर्ट। ओके फाइन, और जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बेंचेस कहाँ एस्टैब्लिश हो गए, कितने एस्टैब्लिश करने चाहिए, इसका फाइनल अप्रूवल जो देता है ना ये जीएसटी काउंसिल देता है। ओके, ये फाइनल अप्रूवल जो होता है इसका जीएसटी काउंसिल के द्वारा होता है, ये भी हमें यहाँ पे समझना है। फाइन, तो अब थोड़ा सा जीएसटी काउंसिल के बारे में हम देखते हैं। आपने शायद इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर पढ़ा है तो इसका रिविजन क्विकली आपका हो जाएगा, सो विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी काउंसिल ये बॉडी हमेशा न्यूज में होती है। ओके, बिकॉज जीएसटी रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं और वो न्यूज में होता है, आपके न्यूज़पेपर के बिजनेस सेक्शन या फ्रंट पेज पे होता है। तो जीएसटी काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड ओवर हियर, कि आर्टिकल 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओके, और जीएसटी काउंसिल के कौन मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं जीएसटी काउंसिल के, ये होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो जीएसटी काउंसिल में सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के मेंबर होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इट्स लाइक अ बॉडी विच हैज पुल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, तो दोनों सेंटर और स्टेट्स के जो है मेंबर्स इसमें होते हैं। फर्स्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे कौन मिनिस्टर इसमें होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। ओके, ये एक और एक यहाँ मिनिस्टर इसके होगी। तो सेंट्रल लेवल पे यहाँ दो मेंबर कहीं ना कहीं हो, उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन है, इसको याद रखना। और इसी के साथ साथ स्टेट्स भी अपना कोई मिनिस्टर जो है इसमें भेज सकते हैं, हर स्टेट के एक रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा, एक मिनिस्टर इसमें होगा। तो स्टेट के शायद वो फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है, या फिर टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो मिनिस्टर हो सकते हैं, या कोई भी अदर मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, ये याद रखिएगा कि स्टेट को अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भेजना है, नहीं, कोई भी एक मेंबर जो है, कोई भी एक मिनिस्टर जो है स्टेट यहाँ पे एज अ मेंबर यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। और व्हाट अबाउट दी वाइस चेयर पर्सन ऑफ द काउंसिल, वाइस चेयर पर्सन ऑफ द काउंसिल विल बी डिसाइडेड बाय द मेंबर अमंग देमसेल्व्स, मेंबर्स में ही वो डिसाइड करेंगे किसको वाइस चेयर पर्सन ऑफ द काउंसिल करना है। चेयर पर्सन बाय डिफॉल्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये जीएसटी काउंसिल जब डिसीजन लेता है और जब इनकी मीटिंग होती है, तो मीटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए, वन हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ओके, तो कोई भी अगर मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में कोई भी डिसीजन लेने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए वहां प्रेजेंट, वन ऑफ द मेंबर्स। अगर मिनिमम वन ऑफ द मेंबर्स वहां प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर वहां डिसीजन या डिस्कशन नहीं होगा। तो कोरम उतना है, कोरम का कॉन्सेप्ट आपको ऑफकोर्स पता होगा। ओके, अब कोई भी यह डिसीजन जो होता है ना ये वोटिंग के थ्रू होता है। जनरली क्या होता है कि वोटिंग होता नहीं है, सच कंसेंसस के थ्रू ही डिसीजन लिया जाता है, सब मेंबर एग्री करते हैं जनरली तो डिसीजन लिया जाता है। लेकिन रेयरली ऐसा हुआ है कि एक्चुअली जहां वोटिंग करना होता है, कि लेट से सब मेंबर अगर एग्री नहीं करते तो वोटिंग विल हैपन। तो फाइनली अगर वोटिंग होगा तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा, वोटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वोटिंग होता है उसको 1/3 वेटेज होता है। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट इनके मेंबर्स जो वोट करते हैं उसको वेटेज होता है 2/3। तो इसको याद रखना कि स्टेट, ये वेटेड वोटिंग होता है यहाँ पे। तो जो स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके, इनका वेट है 2/3 वोटिंग का और सेंटर का है 1/3। तो टोटल एक्चुअली ये इस तरीके से वोटिंग हो सकता है। ओके, और मेजॉरिटी जो होगी कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये होगी 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, तो फाइनली अगर कोई डिसीजन के फेवर में, किसी पर्टिकुलर प्रपोजल के फेवर में डिसीजन जाना है तो 3/4 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग दे शुड फेवर दैट पर्टिकुलर डिसीजन। ओके, तभी वो फाइनली पास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें याद रखने हैं। ऐसा जीएसटी काउंसिल का क्या काम है, आपको पता ही होगा कि जीएसटी काउंसिल क्या करता है, कि जो भी जीएसटी के स्लैब्स होते हैं, टैक्स स्लैब्स, ये स्लैब्स डिसाइड करने का काम जीएसटी काउंसिल का होता है। कौन से प्रोडक्ट्स एक्चुअली इस पे जीएसटी इंपोज होना चाहिए ये यहाँ डिसाइड किया जाता है। कौन से प्रोडक्ट्स पे एग्जेम्प्ट करने हैं जीएसटी, दैट इज डिसाइडेड इन जीएसटी काउंसिल। ओके, इसी के साथ साथ किस प्रोडक्ट कौन से स्लैब में आना चाहिए, 5%, 12%, 18%, 28%, दैट इज ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ओके, उसी के साथ साथ बाकी कुछ सेल्स के रिगार्डिंग जो डिसीजंस होते हैं ये जीएसटी काउंसिल यहाँ पे लेता है। ओके, तो ऑल दिस थिंग्स जो मैंने आपको अभी बताए, दीज आर
गिवन ओवर हियर कि जीएसटी काउंसिल के पास कौन से यहाँ पावर्स होते हैं, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पावर है याद रखना, ओके, कि कुछ स्टेट्स है जो अफकोर्स हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स है, यू कैन सी ओवर हियर, ये जनरली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल एरिया की जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स के रिगार्डिंग अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन करनी है जीएसटी की, तो ये भी जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले सकता है। ये जनरली इग्नोर करते हैं हम, काफी बार क्या होता है कि ये डिस्कस नहीं किया जाता है, लेकिन यूपीएससी क्या करता है, ऐसे ही सवाल पूछता है, ओके? तो हमें ढूंढना होता है कुछ अलग पॉइंट्स, क्योंकि रिसेंटली अगर आप एक दो साल से और खास करके लास्ट पेपर प्रीलिम्स का देखो तो कुछ अलग ही पेपर आया था, उसमें कुछ ऐसे चीजें पूछी जाती है जो शायद आपको पता नहीं होती, हम वो स्टडी नहीं करते थे, इसलिए ये ऑर्बिट कुछ टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ये हम स्टडी करनी चाहिए, ओके? तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स के रिगार्डिंग अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन जीएसटी के रिगार्डिंग करनी है, वहां कुछ एग्जेम्पशंस देने हैं, कुछ अलग प्रोविजंस करने हैं, तो ये भी जीएसटी काउंसिल यहाँ पे कर सकता है, ओके? तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द जीडीपी डेटा। मतलब हमें दो इंडेक्सेस इस टॉपिक के थ्रू स्टडी करने, एक है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स और दूसरा जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये दो इंडेक्सेस के बारे में हमें यहाँ देखना है, ओके? तो इशू क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो गवर्नमेंट के हिसाब से जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट जो एक क्वार्टर में थी ये 7.8% थी, ओके? अनइनकोन काउंटर इट वॉज 7.8%, ओके? तो अब हो क्या रहा है कि देर आर सर्टन पीपल हु आर सेइंग कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली इतना हुआ है, ओके? सो उनका दे आर कंटेस्टिंग दिस फैक्ट, दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट के जो डेटा है इट्स नॉट राइट डेटा और इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इतना हुआ है, ओके? सो इन ऑर्डर टू काउंटर दिस, आर फाइनेंस मिनिस्टर शी हैज सेड कि देखिएगा दिस डेटा दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, जो भी हमारा क्लेम है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, ये सही है। व्हाई? बिकॉज बाकी जो इंडिकेटर्स है ये भी वही दर्शाते हैं कि इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, ओके? सो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग कि यू जस्ट डोंट लुक एट द जीडीपी डेटा, ओके? यू लुक एट द अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि जीडीपी ग्रोथ इज हैपनिंग एट गुड पेस, ओके? तो कौन से अदर इंडिकेटर्स एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर इज सेइंग? वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके, ये भी बढ़ चुका है, वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। फिर उसके साथ साथ बैंक का क्रेडिट ग्रोथ जो है, मतलब बैंक जो कर्जा दे रहा है, ओके, ये भी बढ़ चुका है क्रेडिट ग्रोथ रेट। तो ऑफ कोर्स व्हेन पीपल आर टेकिंग मोर लोन्स तो ऑफ कोर्स दे आर इन्वेस्टिंग समवेयर और एटलीस्ट दे आर इंक्रीजिंग देयर कंजम्पशन, तो उससे अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ेगा ही। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि कंजम्पशन भी बढ़ चुका है और अपार्ट फ्रॉम दैट शी हैज ऑल्सो मेंशनड इंडेक्स दैट इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और उनका कहना है कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी बता रहा है कि यहाँ हमारा क्या है, जीडीपी कहीं ना कहीं एक्सपांशन हो रहा है सर्विसेज और बिजनेस एक्टिविटीज में, ओके? दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी हियर व्हाट इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। एंड इसी के साथ साथ आईआईबी भी इस आर्टिकल में मेंशन था, तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये दोनों हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ओके? सो नाउ व्हाट इज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ओके? देखिएगा परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स हमें बताता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ जो है ये हो रहा है, ओके? तो ये परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है ना, ये हर मंथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पब्लिश्ड एवरी मंथ। हु पब्लिशेज दिस? गवर्नमेंट नहीं पब्लिश करता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको पब्लिश करती है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि वो पब्लिश करती है, मल्टीपल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस विल पब्लिश दैट। उसमें से एक है जैसे IHS मार्केट, तो IHS मार्केट अराउंड 40 डिफरेंट इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, उनके लिए परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है पब्लिश करता है, तो गवर्नमेंट एज सच डजंट पब्लिश इट, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ओके? एंड फॉर एवरी मंथ इट इज पब्लिश्ड, ओके? तो जिस भी मंथ के लिए ये पब्लिश होता है, इन शॉर्ट क्या है कि उस मंथ में मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ग्रोथ उस कंट्री में हुआ या नहीं, ये हमें उससे पता चलता है, उस इंडेक्स के वैल्यू से। तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 to 100, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? 0 to 100, ओके? और एनी पर्टिकुलर मंथ, लेट से देर इज जून मंथ, और इस जून मंथ एनी पर्टिकुलर मंथ अगर इंडेक्स की वैल्यू 50 से ज्यादा है, तो इट मींस कि उस पर्टिकुलर कंट्री में सर्विसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका ग्रोथ हो रहा है, okay? मतलब ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी जो है ये ग्रो हो रही है, ओके?
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओवरऑल जो इंडेक्स का वैल्यू है ये है 0 to 100 और किसी पर्टिकुलर मंथ अगर इंडेक्स का वैल्यू 50 से ऊपर है तो इट मींस एक्सपांशन हो रहा है इकोनॉमी में ओके और किसी पर्टिकुलर मंथ अगर इंडेक्स का वैल्यू 50 से कम है लेट्स से देयर इज इंडेक्स वैल्यू इज 45 इट मींस इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटीज ये डिक्लाइन हो रही है ग्रो नहीं हो रहा है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए ओके और ये ऑब्वियस है कि लेट्स से जून मंथ है और जून मंथ के बाद लेट्स से आता है जुलाई मंथ और जुलाई मंथ जून मंथ का लेट्स से इंडेक्स है 57 और जुलाई मंथ का इंडेक्स है 52 तो इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स का वैल्यू कम हो गया तो जून मंथ से जुलाई मंथ में क्या है ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो रहा है सर्विसेज का जो एक्सपांशन है ओवरऑल कम ओवरऑल एक्सपांशन हो रहा है ऐसा नहीं कि वो निगेटिव में जा रहा है लेकिन जून से कंपेयर जुलाई में कम हो रहा है दैट्स ऑब्वियस राइट क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू कम हो चुका है ओके तो इसको याद रखिएगा आई हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स ओवर हियर आप ये नोट्स से सिंपली रिवाइज कर सकते हो यहाँ ओके तो पीएमआई का नंबर जो होता है 0 to 100 होता है अगर 50 से ज्यादा वैल्यू है मतलब उस मंथ में एक्सपांशन हो रहा है दैट्स अ गुड न्यूज अगर 50 से कम वैल्यू है तो उस मंथ में एक्सपांशन नहीं हो रहा है मतलब कॉन्ट्रेक्शन एक्चुअली हो रहा है इकोनॉमी का और अगर 50 ही वैल्यू है तो मतलब देर इज नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू लास्ट मंथ कोई एक्चुअली चेंज है उसमें नहीं ओके तो ये होता है हमारा यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स ओके इसी के साथ साथ इकोनॉमी की ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए वी हैव वन मोर इंडिकेटर दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है ये पब्लिश किया जाता है सीएसओ द्वारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एवरी मंथ एवरी मंथ इट इज एक्चुअली पब्लिश्ड तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होता है जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है इंडिया में इसका देखा जाता है वॉल्यूम कि क्या इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का वॉल्यूम बढ़ा है नहीं प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडिया में उस पर्टिकुलर मंथ में बढ़ा है नहीं तो ये भी एवरी मंथ होता है तो इसमें मल्टीपल सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग इलेक्ट्रिसिटी कैपिटल गुड सेक्टर बेसिक सेक्टर्स इन सब सेक्टर्स का देखा जाता है कि वह वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं तो जनरली जिस सेक्टर्स को देखता है ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसको हम ब्रॉड सेक्टर्स कह सकते हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर यूजर बेस से देखा जाए तो कैपिटल गुड सेक्टर्स कौन से हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन से हैं नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कौन से हैं इसका कितना प्रोडक्शन बढ़ा है उस मंथ में ये इसमें देखा जाता है ओके और इस सबका प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के बाद फिर एक आईआईपी क्रिएट किया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्रिएट किया जाता है ओके तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को यहाँ अलग अलग वेटेज होता है इसमें और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए कि टोटल आईआईपी में जो टोटल आईआईपी जो क्रिएट किया जाता है इसमें अराउंड 40% वेटेज ये जो है ना ये इंडिया के कोर इंडस्ट्रीज को है ये बस फैक्ट याद इंडिया कितनी कोर इंडस्ट्रीज है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज है तो आईआईपी में टोटल जो वेटेज है उसमें से 40% वेटेज ये हमारे कोर इंडस्ट्रीज को दिया जाता है 8 कोर इंडस्ट्रीज और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है कोल इलेक्ट्रिसिटी क्रूड ऑयल सीमेंट नेचुरल गैस स्टील रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स ओके इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है आईआईपी में कौन से कोर इंडस्ट्री को है वो है कोल को सॉरी वो है इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा यहाँ कहीं ना कहीं वेटेज जो है यहाँ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को दिया जा सकता है ये चेंज हो सकता है बट यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा बस ओके तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओवरऑल आईआईपी में 40% ऑफ द अराउंड वेटेज जो है ये दिया जाता है हमारे कोर इंडस्ट्रीज को ओके और बेस ईयर कैलकुलेट करने का 2011-12 है मतलब ये 2017 में इसको रिवाइज किया गया तो करंट बेस ईयर जो है 2011-12 इज देयर ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज दैट इज जल जीवन मिशन ओके तो जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग क्या न्यूज है देखिएगा तो न्यूज हमें इतना डिस्कस नहीं करना है यहाँ जल जीवन मिशन की जो प्रोविजन है इसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ओके तो जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग न्यूज क्या देखो अब व्हाट डज जल जीवन मिशन डू जल जीवन मिशन जो है ये फंक्शनल टैप वाटर सप्लाई जो है ये रूरल एरिया में प्रोवाइड करता है दो कंपोनेंट्स है जल जीवन मिशन के शुरुआत में जब जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था तो इट वाज ओनली फॉर द रूरल सेक्टर रूरल एरिया ओके फिर उसके बाद जो है ये अर्बन इंडिया के लिए भी यहाँ लॉन्च किया गया है बट यहाँ जल जीवन मिशन रूरल इंडिया के बारे में जो है डिस्कस किया गया ओके तो जल जीवन मिशन एक्चुअली क्या करता है कि जो टैप वाटर सप्लाई है ये प्रोवाइड करता है रूरल हाउसहोल्ड्स को
तो इसका एक प्रोविजन अगर मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दैट हैज लॉन्च दिस जल जीवन मिशन। तो कोई भी स्कीम आप जब हम पढ़ते हैं तो उसका, देखिए कोई भी वाट एवर यू स्टडी, उसका एक तरीका होता है स्टडी करने का, एक टेक्निक होती है। तो जब भी हम स्कीम पढ़ते हैं ना, तो स्कीम के बारे में हमेशा आपको कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर वो स्कीम आती है, फिर वो स्कीम क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद कुछ स्कीम के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। तो ये तीन चीजें हमें हर स्कीम में पढ़नी होती है, एक तो मिनिस्ट्री, दूसरी वेदर इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस अगर कुछ उसके स्पेशल प्रोविजन है दैट वी शुड बी नो। तो 2019 में जल जीवन मिशन रूलर जो है लॉन्च हो चुका था, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या कि बोथ सेंटर एंड स्टेट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स फिनेंसेस। अब व्हाट वाज द एम ऑफ दिस जल जीवन मिशन स्कीम? ये जल जीवन मिशन स्कीम बेसिकली कहता है कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, याद रखना यहाँ पे पर फैमिली नहीं है। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू प्रोवाइड 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड थ्रू द टैप वाटर कनेक्शंस बाय 2024। तो 2024 तक इसका टारगेट है कि जितने भी रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में जिनके पास टैप वाटर कनेक्शन नहीं है, नल का पानी उनके घर में नहीं आता, उन सबके घर में नल का पानी का कनेक्शन जाना चाहिए, और उस कनेक्शन के थ्रू पर डे पर पर्सन 55 लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी प्रोवाइडेड। तो घर में अगर तीन लोग हैं तो 55 × 3 इतना वाटर जो है मिनिमम दैट शुड बी प्रोवाइडेड पर डे पर पर्सन। तो ये बेसिकली इसका मिशन है। तो मेन क्या है कि जहां जिस विलेजेस में सबसे पहले तो अगर पाइपलाइन ही नहीं है तो वहां पाइपलाइन क्रिएट करो। फिर हर घर में जो है नल जो है ये फिट होना चाहिए वहां से आगे पाइपलाइन होके, और उस नल में पानी भी आना चाहिए, नहीं तो नल फिट करके क्या करोगे। तो पॉइंट हियर इज कि ये ऑब्जर्वेशन, ये आर्टिकल क्या है, इस आर्टिकल में केस स्टडी दिया गया वो है यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट का। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि देखिएगा, 2019 में इस यूपी के महोबा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही रूरल हाउसहोल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शंस थे, नल थे एक्चुअली, हार्डली 1600 हाउसेस में जो है 2019 में इस टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में टैप वाटर कनेक्शंस वर देयर। बट बिकॉज जल जीवन मिशन इज लॉन्च्ड, तो फिर यहां अगर आप देखा जाए तो करंटली अकाउंट 1,29,000, कितने आप ये नंबर आपको याद नहीं रखना है, बस समझ लीजिएगा इशू क्या है। यहाँ 1,29,000 हाउसहोल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन है, तो विच इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस कि पहले बस 1600 घर में थी, अब 1,29,000 में एक्चुअली नल पहुंच चुका है यहाँ पे, विच इज अ ह्यूज सक्सेस ऑफ द जल जीवन मिशन, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट। बट प्रॉब्लम ये है इन दिस डिस्ट्रिक्ट कि थियोरेटिकली तो कागज पे तो हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू जल जीवन मिशन डैशबोर्ड कि यहाँ नल तो कनेक्शन पहुंच चुके हैं घर में, लेकिन इस आर्टिकल का कहना है कि एक्चुअल में लोगों के घर में पानी ही नहीं आता। तो कुछ जगह पे ऐसा हो चुका है कि गाँव में पाइपलाइन तो बिछा दिया लेकिन अल्टीमेट घर तक यहां कनेक्शन नहीं है। ऐसा भी है कि देर आर सर्टन विलेजेस वेयर पाइपलाइन इज देयर बट अल्टीमेट घर तक आपने नल का कनेक्शन नहीं दिया, ये रियलिटी में है। और दूसरा ये कह रहा है कि कुछ घर में ऐसा है कि आपको कनेक्शन भी जा चुका है लेकिन उसमें रोज पानी भी नहीं मिलता, या जितना मिलना चाहिए पानी शायद रोज नहीं तो 2 दिन में भी आ जाए लेकिन उतना 55 लीटर आना है उतना नहीं मिल रहा है, पानी ही नहीं आ रहा है कुछ काफी जगह। तो ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट, दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज सेइंग। तो ये केस स्टडी इसके रिगार्डिंग इस आर्टिकल में है। तो जल जीवन मिशन ओवरऑल क्या है वो आप थोड़ा हम देखते हैं कि हमने इसकी प्रोविजन एक इंपॉर्टेंट देख ली, एम क्या है। अब इसी के अलावा जल जीवन मिशन में और एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि ये जल को एक जल आंदोलन बनाना चाहता है, मतलब एक लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है इन ऑर्डर दैट पीपल शुड यूज दैट पर्टिकुलर फंक्शनल टैप वाटर एज वेल एज फॉर वाटर ऑगमेंटेशन। क्योंकि वाटर आप सप्लाई तो कर रहे लेकिन वाटर आप डिमांड तो है, तो डिमांड साइड तो आपने एड्रेस कर दी कि आपने घर में नल से पानी दे दिया लेकिन इसका सप्लाई भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो दैट्स वाई इट हैज कॉम्पोनेंट्स लाइक ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन, मतलब वहां अगर तालाब होगा तो उसकी साफ सफाई की जाए ताकि उसमें वाटर स्टोरेज हो पाए। प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम्स क्रिएट किए जाए, जो वेस्ट वाटर है ग्रे वाटर है इसका रियूज किया जाए उसके ट्रीटमेंट करके,
और लोगों में भी अवेयरनेस क्रिएट हो, तो जन आंदोलन फॉर वाटर एक क्रिएट होना चाहिए। मतलब कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है कि वेयर आईईसी कैंपेन मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन विल बी लॉन्च सो दैट पीपल विल बी इन्वॉल्व इन दिस होल कैंपेन ओवर हियर। ओके, इसके अलावा कुछ मैंडेटरी एलिमेंट्स भी है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, जो हाउस होल्ड का वेस्ट वाटर जो होता है उसका वेस्ट वाटर का रीयूज कैसा किया जाए उसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने का इसमें कॉम्पोनेंट है। और एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट याद रखना इस मिशन में, पानी समिति। तो अकॉर्डिंग टू दिस मिशन व्हाट विल हैपन कि हर गांव में 10 से 15 मेंबर की समिति क्रिएट की जाएगी। गांव में क्या होगा 10 टू 15 मेंबर्स की समिति होगी जिसको पानी समिति कहा जाएगा, जिसमें हाफ ऑफ द मेंबर्स विल बी वीमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पानी समिति विल बी क्रिएटेड जिसमें हाफ ऑफ द मेंबर्स विल बी वीमेन, 50% एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स, 60% हो सकती है, 70% भी हो सकती है। और उसके अलावा फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ महिलाएं हैं, फिर उसके बाद आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी टीचर्स है, ये भी इसकी मेंबर हो सकती है। ओके, तो पानी समिति होगी 10-15 उसमें मेंबर हो सकते हैं। ओके, और इस पानी समिति का काम होगा कि प्रॉपर जल जीवन मिशन के लिए उस गांव में प्लान बनाया जाए और उसको इंप्लीमेंट और मैनेज किया जाए। ओके, और ये इनका प्लान जो होगा अल्टीमेटली अप्रूव कौन करेगा, ग्राम सभा, इंप्लीमेंटेशन के पहले इसको अप्रूव और ग्राम सभा देगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस जल जीवन मिशन रूलर के आपको यहाँ पता होना चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर दैट। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैन पीएम केयर्स बेनिफिट्स टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल ऑर्फन्स। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था, तो ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शॉर्ट में देखिएगा क्या इशू है। ओके, जो गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड है ये इस्टेब्लिश किया था, इसकी प्रोविजन हम देखने वाले हैं। गवर्नमेंट है इस्टेब्लिश दिस फंड। ओके, और ये गवर्नमेंट का जो फंड है पीएम केयर्स फंड, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, अपकोर्स ड्यूरिंग COVID-19 आउटब्रेक। ओके, अब इस फंड के अंडर गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की फॉर ऑर्फन चिल्ड्रेन। ओके, तो COVID-19 आउटब्रेक के दौरान जिस भी चिल्ड्रन की पेरेंट्स की डेथ हो गई, ओके, अब उसकी प्रोविजन हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन जिस भी चिल्ड्रन की पेरेंट्स की डेथ हो गई तो ऐसे ऑर्फन चिल्ड्रन जो होते हैं, ओके, अनाथ जो बच्चे होते हैं, ओके, इन अनाथ बच्चों के सपोर्ट के लिए एक स्कीम इसमें लॉन्च किया गया था। कौन से अनाथ बच्चे, जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ COVID-19 की वजह से हुई, ऐसे बच्चों अनाथ बच्चों के लिए सपोर्ट का स्कीम इस फंड के थ्रू लॉन्च किया गया था। ओके, अब कोर्ट में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि चलिए आपने ऐसे ऑर्फन बच्चों के लिए स्कीम लॉन्च की, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, बट क्या ये सेम स्कीम जो है आप बाकी ऑर्फन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो? कोर्ट का कहना था कि ये सेम स्कीम है ना बाकी ऑर्फन के लिए भी अप्लाई करनी चाहिए। बाकी ऑर्फन मतलब कौन से, कि जिनके पेरेंट्स की डेथ शायद COVID-19 की वजह से नहीं हुई बट बाकी कारणों की वजह से हुई। तो क्या उसको भी अप्लाई कर सकते हैं हम? दैट्स व्हाट कोर्ट हैज आस्क्ड। कोर्ट ने कोई डायरेक्टिव नहीं दिया है, बस कोर्ट ने एक्चुअली ये पूछा है। ओके, तो कोर्ट का बेसिकली कहना है कि देखिएगा, एन ऑर्फन इज ऑर्फन, अपंग, ठीक है, एक ऑर्फन जो होता है दैट ऑर्फन इज एक्चुअली ऑर्फन, एक अनाथ होता है तो अनाथ होता है, डजंट मैटर कि उनके पेरेंट्स कोई रोड एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है या COVID-19 की वजह से। ओके, अनाथ तो अनाथ बच्चा होता है, तो ये स्कीम जो है ये बाकी बच्चों के लिए भी दे दो। That's why Supreme Court उसके रिगार्डिंग यहां सवाल पूछ ला, एक PIL के थ्रू एक्चुअली हुआ था। ओके, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि PM Cares Fund के थ्रू ये जो स्कीम लॉन्च की गई ये क्या थी। ये थी PM Cares for Children scheme, PM Cares for Children scheme। तो ये स्कीम किसके लिए है? To support the children who have lost both parents or a surviving parent। मतलब let's say there is a children who has only one parent, मतलब उनकी बस माँ ही है या पिता ही है, तो अगर उनकी भी डेथ हो गई, ओके, और लेट से कोई चिल्ड्रन थे और उनके माता पिता थे ही नहीं, ओके, लेकिन कोई लीगल गार्डियन थे, तो वो लीगल गार्डियन की या अडॉप्टिव पेरेंट्स की भी डेथ हो गई, किस वजह से, अगर COVID-19 की वजह से, और उसके बाद अगर वो अनाथ हो गए चिल्ड्रन, तो उनके सपोर्ट के लिए एक्चुअली, ओके, सो एनी चिल्ड्रन हु बिकम्स ऑर्फन बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट और लीगल गार्डियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, दे विल बी गिवन सपोर्ट टू दिस पर्टिकुलर पीएम केयर चाइल्ड चिल्ड्रन फंड। तो कैसे सपोर्ट दिया जाएगा?
लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट अकाउंट फॉर अ ऑर्फन चाइल्ड. लेट्स से देयर इज अ ऑर्फन चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस. ओके, तो उसके रिगार्डिंग अकाउंट क्रिएट किया जाए और इस अकाउंट में गवर्नमेंट विल कीप ऑन पीएम केयर्स फंड के थ्रू स्पेशली इस अकाउंट में पैसे जो है यहां ट्रांसफर किए जाएंगे. कितने? 10 लाख तक, जब तक अमाउंट ना, मतलब टोटल इस अकाउंट में 10 लाख तक अमाउंट क्रिएट किया जाएगा थ्रू पीएम केयर्स फंड. ओके, और जैसे ही ये बच्चा 18 साल का हो जाएगा, 18 इयर्स का, तो 18 इयर्स के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स तक इस 10 लाख के थ्रू इसको स्टाइपेंड दिया जाएगा. मतलब ये 10 लाख जो है ना पोस्ट के एक स्कीम में इन्वेस्ट किए जाएंगे और इस स्कीम से जो भी इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से स्टाइपेंड जो है हर मंथ इस बच्चों को दिया जाएगा नेक्स्ट 5 साल तक, मतलब ऑलमोस्ट 23 इयर्स ऑफ एज तक. तो फिर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं. ओके, कि गवर्नमेंट जो है, लेट से बच्चा अगर 10 साल का है तो उसके नाम पे एक अकाउंट ओपन करेगा गवर्नमेंट और उस अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे थ्रू पीएम केयर फंड. ओके, और बाय द 18 इयर्स, जब भी वो 18 साल का बच्चा होता है तब तक टारगेट होगा कि 10 लाख इसमें हो जाए. ओके, अब ये 10 लाख जो हो गए इसमें, ये 10 लाख एक्चुअली एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस. इसमें ये 10 लाख जो है इन्वेस्ट किए जाएंगे. ओके, और फिर इस मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है इसके थ्रू ये बच्चा जैसे 18 साल का हो जाएगा उसको नेक्स्ट 5 साल तक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा. ये 10 लाख को टच नहीं किया जाएगा, उस पे जो स्कीम पे जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इससे उसको 5 साल तक ये सपोर्ट किया जाएगा 23 इयर्स तक. और जैसे 23 इयर्स उस बच्चे की एज हो जाएगी तो ये 10 लाख भी जो होगा कॉर्पस, जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है 10 लाख, ये भी बच्चों को दिया जाएगा. तो 5 साल तक उसी 10 लाख को इन्वेस्ट करके उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू हर महीना कुछ स्टाइपेंड होगा और 5 साल होने के बाद, 23 साल का होने के बाद ये 10 लाख उसको दिए जाएंगे. तो ये बेसिकली स्कीम थी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, विच इज गुड स्कीम. ओके, चिल्ड्रन स्कीम. लेकिन अब गवर्नमेंट कोर्ट का ये कहना है कि ये स्कीम आप बाकी बच्चों, बाकी ऑर्फन है उनको भी आप लागू कर दीजिएगा. ओके, फाइन. तो पीएम केयर्स फंड के बारे में थोड़ा सा अब हम यहाँ जान लेते हैं कि पीएम केयर्स फंड एक्चुअली है क्या. ओके, तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड इज अ पीएम केयर्स फंड. ओके, तो ये मार्च 2020 में क्रिएट किया गया. इसके जो भी प्रोविजन है ना, अब आपको सिर्फ फंड क्या है कि ये फंड है, इसमें कुछ मनी विल बी देयर एंड दिस मनी विल बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस. तो स्पेशली उस वक्त जो भी ये COVID-19 के जो भी इश्यूज था उसको रिकवर होने के लिए एक्चुअली ये फंड उसको क्रिएट किया गया था. बट ऐसा नहीं कि उसी के लिए ही ये फंड क्रिएट किया जाएगा, ये फंड में आज भी जो पैसा है ये बाकी चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, ये याद रखिएगा. तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एज इसको एस्टैब्लिश किया गया था. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस फंड के बारे में याद रखना इज हाउ मनी विल कम टू दिस फंड. यहाँ से एक्सपेंडिचर अगर करना है तो आना भी तो चाहिए ना, ठीक है, पैसा. तो ऑफकोर्स मनी वोंट कम फ्रॉम बजेटरी सपोर्ट. पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या बजट के थ्रू नहीं दिया जाएगा. जो भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगे लोगों के, और कंपनीज इसमें डोनेट कर सकती है, इंडिविजुअल्स इसमें डोनेट कर सकते हैं, उससे ही ये फंड के लिए पैसा आएगा. बजेटरी सपोर्ट, गवर्नमेंट के बजट के थ्रू इसको पैसा नहीं मिलेगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? दोज हु विल बी डोनेटिंग, अगर कोई इंडिविजुअल उसमें डोनेट करता है पैसा तो उसको इनकम टैक्स के अंडर, के टैक्स के अंडर, एक्ट के अंडर 100% टैक्स एग्जम्पशन इसमें मिल सकता है. जो फॉर्म 80D-80C होता है ना, उसके अंडर इसको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा. दूसरा, अगर कोई कंपनी इसमें डोनेट कर सकती है, डोनेट करती है, तो उसको CSR एक्टिविटी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी माना जाता है. कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कुछ कंपनीज को क्या है, एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ पर्टिकुलर मनी जो है उनको एक्सपेंडिचर करना होता है. तो इफ दे पे सम मनी टू दिस फंड तो उसको भी CSR एक्सपेंडिचर माना जा सकता है. और अगर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अगर कोई आता है इसमें, फॉरेनर कोई, फॉरेन से कोई अगर आता है इसमें पैसा, तो उसको FCRA के अंडर क्या है, कुछ एग्जम्पशन दिए गए. तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहाँ इसके बारे में याद रखिएगा. ओके, तो ये फंड इज अ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट कोई ना कोई तो मैनेज करता है, ट्रस्ट के एक चेयरमैन होते हैं, राइट. दिस फंड इज एस्टैब्लिश्ड अ चैरिटेबल ट्रस्ट, तो इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है पीएम केयर्स फंड के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, ही विल बी दी और शी विल बी दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर्स फंड. एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है ये है. ओके, और इसके अलावा तो चेयरमैन जो है पीएम है. ओके, इसके अलावा 3 इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी है.
कौन है? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। तो जो भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो गए उस टाइम पे, आज है या आगे अगर वो चेंज होते हैं तो जो भी होगा, ये एक्चुअली इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हो गए इस ट्रस्ट के। तो चार लोग तो फिक्स है, एक एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर और तीन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। ओके, इसके अलावा और तीन ट्रस्टीज जो है ये अपॉइंट कर सकते हैं कौन? पीएम, चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट। इसके अलावा और तीन ट्रस्टीज कोई भी हो सकता है, उसको चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस ट्रस्टीज जो भी होगी उनको कोई इससे सैलरी नहीं मिलेगी, बिकॉज दे आर मैनेजिंग द फंड, नो दे विल नॉट गेट एनीथिंग। ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट अपॉइंटमेंट होगी। ओके, प्रैक्टिकली इस फंड को जो मैनेज करता है ना वो होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो पीएमओ, पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो वो इसको प्रैक्टिकली एक्चुअली मैनेज करते फंड को। बट ओवरऑल चेयरमैन याद रखना कौन है, तीन एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन है याद रखेगा, और बाकी तीन ट्रस्टी जो इसमें अगर अपॉइंट करने हैं तो वो पीएम कर सकते हैं, कुछ चेयरमैन कर सकते हैं, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ओके फाइन, अब ये एक न्यूज जो है ये काफी शॉर्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया का गुड ट्रेड डेफिसिट जो है ये 10-month हाई हिट कर चुका है। मतलब स्पेशली इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, अब यहां हमें ज्यादा ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, बीओपी क्या होता है, ये डिस्कस नहीं करना, बस एक कंटिन्यूटी आपको न्यूज में रहे, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस। ओके, इस पे चाहिए तो हम सेपरेट एक डिस्कशन कर सकते कि ट्रेड डेफिसिट होने से क्या इश्यूज होते हैं, बीओपी ओवरऑल क्या होता है, बट एक कंटिन्यूस आपको न्यूज में कुछ इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव आपका क्लियर होता है, इसलिए मैं ये न्यूज यहां ले रहा हूं कि ये न्यूज बेसिकली कह रहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो इंडिया का, ये 10-month हाई हो चुका है। मतलब अगस्त मंथ अगर देखा जाए तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 24.16 बिलियन था। तो विच इज एक्चुअली ह्यूज, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट है लास्ट 7 months से इन अ रो दे आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग। अगस्त तक अगर देखा जाए तो अगस्त से पहले जो अगस्त तक अगर लास्ट 7 months है वहां से इंडिया के ट्रेड एक्सपोर्ट जो है ये एक्चुअली डिक्लाइन हो रहा है। ओके, तो अब इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो ज्यादा हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना। आगे अगर ऐसा, क्योंकि ये हमेशा ये न्यूज आता रहेगा हर महीने कि कितना हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, बड़ा है, लेकिन एक रिसेंट आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली अब क्या है रिसेंट डेटा, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो लास्ट 7 months का अगर डेटा देखो तो कंटिन्यूसली हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ओके, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगस्त मंथ का डेटा तो 10-month हाई सबसे ज्यादा हमारा अगर ट्रेड डिफिसिट बन चुका है, दैट इज 2.16 बिलियन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रेड हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा करंट अकाउंट होता है, इतना बेसिक तो आपको इकोनॉमी का पता है। ओके, और इस करंट अकाउंट में ठीक है तीन फर्दर कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट। इसमें तीन और कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट में। ओके, इसमें गुड्स में जो डेफिसिट है ये 10 month आ चुका है ट्रेड इन गुड्स का, सर्विसेज का नहीं, सर्विसेज का हमारा जनरली एक्सपोर्ट अच्छा होता है। हाँ, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी हमारा कम हो चुका है वैसे अगर देखा जाए तो, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी हमारा काफी कम हो चुका है, बट स्पेशली जो गुड्स का डेफिसिट है ये काफी हाई हो चुका है, ये हमें थोड़ा सा यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिएगा, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक, दैट इज एडिटोरियल। ओके, ये एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं ठीक। अब ये एडिटोरियल किसके बारे में है कि क्या इंडिया का नाम इंडिया से भारत हो सकता है क्या? अब हमें ऑलरेडी पता है कि दोनों भी नाम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए, लेकिन यहाँ ऑथर कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हु इज द राइटर ओवर हियर? ये राइटर है हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ओके, तो बेसिकली राइटर का ये कहना है, मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ, इनका बेसिकली ये कहना है कि ये जो इंडिया का नेम भारत कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया जा रहा है ये आप नहीं कर सकते। That's what he is saying. Okay? You cannot do this. Okay? And why you cannot do this? ये वो explain करते हैं from constitutional point of view. Okay? और उनका कहना है कि अगर future में आपको इंडिया का भारत नाम करना है, let's say, currently what आप कुछ documents में इंडिया का भारत नाम दिखा रहे हो तो ये गलत है। उनका कहना है कि ये नहीं कर सकते आप constitutional point of view से। First thing he is saying that. Second thing he is saying कि इंडिया का let's say अगर भारत ऐसा नाम आप change कर रहे हो तो ये politically motivated नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंसस, मतलब पीपल्स ओपिनियन शुड ऑल्सो बी टेकन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, लोगों का ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट है, ये इनका कहना है। और थर्ड उनका कहना है कि अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट में नाम चेंज करते हैं, ओके, तो इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है इंटरनेशनल,
सो वील डिस्कस की उनका बेसिक वाट ही ट्राइंग टू से ओवर हियर। ओके फाइन, तो इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हम नहीं देखते, हम ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू यहां जानने का ट्राई करते। देखिएगा, वाट एवर द राइटर इज सेइंग हियर इट कैन बी रॉन्ग। ओके, ये थोड़ा सा याद रखना कि हर कोई ये ओपिनियन होते किसी भी राइटर के। अगर एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो एडिटोरियल में एक तो एक और एक मैं बात आपको कहता हूं कि हर कोई एडिटोरियल जो होता है पेपर का, ये आपके काम का नहीं होता। नॉट एवरीथिंग इज एक्चुअली आपके काम का। क्यों क्यों होता है कि कुछ कुछ रेलेवेंट नहीं होते हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए तो नहीं लिखते ना वो एडिटोरियल कि आपको एग्जाम में काम आए। दे डोंट राइट इट बिकॉज ऑफ दैट, दे राइट इट बिकॉज वो इशू पे बेस्ड होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, करंट इशू पे, फर्स्ट थिंग। तो इसलिए सारे एडिटोरियल इश्यूज आपके लिए काम के नहीं है। सेकंड, काफी बार सेम टॉपिक पे मल्टीपल एडिटोरियल इश्यूज आते हैं या आर्टिकल्स आते हैं, तो अगर आपने दो चार आर्टिकल पढ़ लिए तो उसी टाइम के अलग आर्टिकल, सेम आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेट से कोई जीएम क्रॉप पे आर्टिकल है तो कुछ जीएम क्रॉप पे अपने दो चार आर्टिकल आपने ऑलरेडी पढ़ चुके, अब उसी टॉपिक पे और 15 दिन के बाद और दो चार आर्टिकल आते हैं तो नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। ये स्मार्ट वे से आपको एक्चुअली पढ़नी चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो इसलिए हर आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि डेवलपिंग न्यूज होती है, तो डेवलपिंग न्यूज को उसी वक्त डिस्कस करना कुछ फायदा नहीं है, उसको कुछ दिन के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एस्पेक्ट होते हैं। और फोर्थ इज कि व्हाट एवर ऑथर इज सेइंग, राइटर इज सेइंग इन आर्टिकल, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इन द सेंस कि वो गलत हो सकता है। हर कोई उनको उनका ओपिनियन होता है और उस ओपिनियन के काउंटर ओपिनियन भी होते हैं, और हमें दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। ओके, तो यहां मैं राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा कि व्हाट राइटर इज सेइंग बेसिकली। चलो तो इशू को डिस्कस करते हैं। इशू क्या है आपको ऑलरेडी पता है कि रिसेंटली, और ऑथर ने भी, उस राइटर ने भी उसी के साथ स्टार्ट किया है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ओके मतलब रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने हमारे G20 डेलीगेट्स है उनको एक इनवाइट भेजा था, उनको कुछ इनवाइट भेजा गया था। ओके, और उस इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो है ये नाम लिखा। तो उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, अपोजिशन कहने लगा कि नहीं आप तो ये इंडिया अलायंस की वजह से इसको भारत नाम दे रहे हो, ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड है। ओके, और क्या इंडिया का नेम भारत हो सकता है नहीं हो सकता, उसके भी डिबेट्स क्रिएट होने लगी। तो इस आर्टिकल में उसके बारे में क्या दिया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये आर्टिकल देखो पहले क्या कहता है। सबसे पहले आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू। आर्टिकल जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने का ट्राई करता है। ओके, तो आर्टिकल क्या कहता है मैं आपको यहां बताता हूं। आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत इंडिया की जगह आपने प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये यहां लिखा है, तो ऑथर का कहना है कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं, और ऑथर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। कैसे ऑथर बताते हैं, ऑथर कहते हैं कि देखो आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, What author is, writer is saying कि Article 52 of the Constitution कहता है कि there shall be a President of India। तो President of भारत कहीं mention नहीं है, President of India ही mentioned है। तो इनका कहना है कि there is nothing like President of भारत, there is only something called the President of India। Why? Because Article 52 में President of India कहा गया है कि President of India होनी चाहिए, President of भारत ऐसा नहीं कहा गया। तो that's why आप ये President of India का President of भारत name change नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा change करना है तो आप पहले इस आर्टिकल 52 को अमेंड करो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखिए, ये राइटर का कहना है। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट आर्गुमेंट द राइटर इज गिविंग ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये हुआ एक आर्गुमेंट। सेकंड उनका कहना है कि देखो कि देर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को, इंडिया दैट इज भारत, राइट, दैट्स व्हाट आर्टिकल 1 सेज। तो ऑफकोर्स इंडिया और भारत दो नाम है। ओके, तो ऑथर क्या कहते हैं कि व्हाट पीपल आर सेइंग कि इंडिया एंड भारत दीज आर टू नेम्स ऑफ इंडिया और दीज आर इंटरचेंजेबल, मतलब आप इंडिया की जगह भारत भी यूज कर सकते हो, भारत की जगह इंडिया भी नाम यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 ही कहता है इंडिया दैट इज भारत। ओके, तो ऑथर का कहना है कि इंडिया दैट इज भारत इज नॉट इंटरचेंजेबल, मतलब आप इंडिया की जगह भारत ऐसी हर जगह पे नहीं लिख सकते। दैट इज व्हाट राइटर सेज। व्हाई डज राइटर से दैट? क्योंकि राइटर का कहना है कि देखो ये इंडिया नेम जो है, सॉरी ये भारत नेम है, ये बस आर्टिकल 1 में ही मेंशन है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स को भारत नाम यूज करना था तो कई और तो करते नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में, बट उन्होंने कई और ये भारत नेम किसी भी आर्टिकल में मेंशन ही नहीं किया है।
ना ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा है उन्होंने, ओके, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कहा है उन्होंने, ठीक है। बाकी किसी भी जगह पे कोई भी आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के भारत ये वर्ड नहीं है, बस आर्टिकल वन में ही है, ओके। और इसलिए आप बाकी डॉक्यूमेंट्स में भारत की जगह इंडिया नाम नहीं, सॉरी इंडिया की जगह भारत नाम नहीं यूज कर सकते, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, दैट्स व्हाट राइटर एक्चुअली सेज, ओके। अगर ये इंटरचेंजेबल होता तो बाकी आर्टिकल्स में भी कहीं ना एक दो आर्टिकल्स में तो और जगह भारत एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर्स लिखते, ओके। तो उनका कहना है कि ये दैट इज जो वर्ड है ना यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन देता है बस, क्या कि इंडिया मतलब क्या है, यही भारत है। और इनका कहना है कि भारत बस बाकी अगर कहीं यूज होता है, भारत फिर क्यों इंक्लूड किया गया है, उनका कहना है कि भारत ये मतलब ओवरऑल आर्टिकल से ये सेंस आता है कि भारत ये हिंदी वर्जन के लिए है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिंदी वर्जन है, ओके, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंडर बनता है हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, इसके लिए भारत एक्चुअली यू वर्ड ये है यूज किया गया है, ये और एक आर्गुमेंट एक्चुअली देते हैं इसके खिलाफ, ओके। और तीसरा और एक आर्गुमेंट इनका ये है कि देखिएगा इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे ड्राफ्ट बना था उसमें तो भारत नेम ही नहीं था, इट वाज ओनली इंडिया देयर। इनिशियल जो आर्टिकल वन हमारा बना ना कॉन्स्टिट्यूशन का जब ड्राफ्ट बनता है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें इसका तो बस इंडिया नेम मेंशन था, भारत तो बाद में कुछ एक्चुअली हमारे कुछ उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर्स थे, दे हैड टेकन ऑब्जेक्शन, इसलिए हमने इंडिया और भारत दोनों लिखे, तो इनिशियल इसमें तो ये था भी नहीं भारत ने, ऐसा राइटर का कहना है, विच सीम्स अ एब्सर्ड आर्गुमेंट ऑफ राइटर, बट एनीवेज आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू तो पता होना चाहिए ना, यूर यूपीएससी स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर, ओके। तो तीन आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट ये है कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बस कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ऐसा कोई है ही नहीं, ओके। तो आर्टिकल 52 चेंज करो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज करो। सेकंड, आर्टिकल वन जो है इंडिया दैट इज भारत कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया को भारत से रिप्लेस कर दो नेम से, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बाकी कहीं भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया इंडिया भारत वर्ड, ओके, दैट्स वाई। एंड थर्ड एक्चुअली कहा जाता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो है यहां कहीं भी भारत जो है सच वर्ड नहीं था, वो तो बाद में जब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट होती है तब एक्चुअली इंडिया दैट इज भारत ये वर्ड इस तरीके से डॉक्टर आंबेडकर इंक्लूड करते हैं, ओके। और ये सब कहने के बाद फिर ऑथर कहते हैं कि अगर हम ऐसा डॉक्यूमेंट में चेंज भी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है, कंट्रीज भी कंफ्यूज हो जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन करती है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन करते हैं, दैट्स व्हाट ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इज देयर। और इसी आर्टिकल में एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन है, इसी आर्टिकल में, ओके, जो है यहाँ पे आर्टिकल 394A, ओके, आर्टिकल 394A जो है ना ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन है। तो आर्टिकल 394A क्या है ये हम डिस्कस करते हैं, क्यों? क्योंकि इन सारे डिस्कशन में मैंने काफी सारे न्यूज़पेपर्स भी देखे हैं जिसमें आर्टिकल 394A इतना डिस्कस ही नहीं हो रहा है, ओके। आर्टिकल 394A बेसिकली किसके बारे में है? इट इज रिगार्डिंग दी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में बनता है, ओके। तो आर्टिकल 394A क्या कहता है कि प्रेसिडेंट शाल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ओके। तो आर्टिकल 394A के तीन क्लॉजेस है, फर्स्ट क्लॉज क्या कहते हैं बस समझ लेना, आपको प्रीलिम से पूछा जा सकता है इसलिए मैं कह रहा हूं, ओके। तो ये फर्स्ट क्लॉज एक्चुअली क्या कह रहा है कि ये प्रेसिडेंट की अथॉरिटी है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ अथॉरिटी? कि इस इंग्लिश जो वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का इसका हिंदी लैंग्वेज में वर्जन क्रिएट किया जाना चाहिए, सो हुज अथॉरिटी इज दैट, दैट इज प्रेसिडेंट अथॉरिटी। सेकंड थिंग, ओके, ट्रांसलेशन इन द हिंदी लैंग्वेज ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होगी आगे तो उसका भी हिंदी लैंग्वेज में क्या है ट्रांसलेशन होना चाहिए, और हुज अथॉरिटी इज दैट, प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी। तो ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई वी हैव हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेशन आल्सो, हमारा हिंदी लैंग्वेज का भी कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन है, तो इसको याद रखना कौन सा आर्टिकल 394 है, प्रेसिडेंट हैज दिस अथॉरिटी। हिंदी लैंग्वेज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का भी हिंदी लैंग्वेज वर्जन क्रिएट करना जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका, एज वेल एज जो भी अमेंडमेंट्स होगी उसका, ओके। सेकंड क्लॉज कहता है कि जो भी हिंदी वर्जन होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट बनवा रहा है बनवाया है प्रेसिडेंट ने, इट विल बी कंस्ट्रूड टू हैव सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वर्जन। ओरिजिनल वर्जन का जो मीनिंग है उसी तरीके का इसका भी मीनिंग होगा, सेम मीनिंग इसका माना जाएगा।
हाँ अगर कुछ डिस्प्यूट्स है वर्डिंग में वगैरह तो उसको रिवाइज कर लेंगे फिर प्रेजिडेंट। ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट। और वॉट एवर दिस हिंदी वर्जन इज क्रिएटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रेजिडेंट इट शुड बी कंसिडर्ड एज द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो इंग्लिश वर्जन है इसी तरीके से इस पर्टिकुलर वर्जन का भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अथॉरिटी है, इसको माना जाना चाहिए सेम। ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोर्ट में आपने इंग्लिश वर्जन प्रोड्यूस कर दिया, किसी ने हिंदी वर्जन प्रोड्यूस किया, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्ट में किसी ने आर्ग्यूमेंट कर दिया कि नहीं ये तो हिंदी वर्जन है ओरिजिनल, तो हमने इंग्लिश वर्जन देखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा नहीं, दोनों का भी सेम अथॉरिटी होगी। ओके तो ये आर्टिकल 394 ये है। चलिए इसी के साथ साथ ये डिस्कशन यहीं एंड करते हैं हम, कल फिर से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी, प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर थिंग, संडे भी होगी ठीक है। चलिए थैंक यू।